कि भगवान के साथ हमारा रिलेशन क्या है, धर्म के साथ हमारा रिलेशन क्या है। देखना, संबंध से बड़े फायदे। यदि आपको किसी से कुछ प्राप्त करना है तो संबंध बनाना बहुत जरूरी। बिना संबंध आप न किसी से प्रेम प्राप्त कर सकते हो, न किसी से पैसा प्राप्त कर सकते हो, न किसी से स्नेह प्राप्त कर सकते हो, न किसी से आदर प्राप्त कर सकते हो, न किसी से सम्मान प्राप्त कर सकते हो। कहीं ना कहीं संबंध बनाना बड़ा जरूरी है। जीवन में आप किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो संबंध बना ले। संबंध बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे जीवन में। और आज मैं बात करना चाहता हूं धर्म और अध्यात्म के साथ हमारा संबंध कैसा है, परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव कैसा है, परमात्मा के साथ हमारा संबंध कैसा है। और इसीलिए देख लेना कि परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव कैसा है। संबंध तो आनंद घन जी महाराज ने भी बांधा था, संबंध तो मीराबाई ने भी बांधा था, संबंध तो नरसिंह मेहता ने भी बांधा था, संबंध तो सुदामा ने भी बांधा था, संबंध तो गुरु गौतम ने भी बांधा था। और हर एक शिष्य गुरु के साथ संबंध बांधने की कोशिश करता है, हर एक भक्त परमात्मा के साथ संबंध बांधने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं अपने जीवन में देख लेना संबंध आपका धर्म और परमात्मा के साथ कैसा है, कौन सा संबंध आपने डेवलप किया है, कौन सा संबंध आपने बनाया है, समझ लें। कोई एक व्यक्ति के पास भिखारी मांगने के लिए आता है तो जेब में से वो 10 रुपए की नोट निकाल करके देता है। संबंध की ताकत कितनी है समझने की कोशिश करना, संबंध आपको क्या प्राप्त करवा सकता है यह समझने की कोशिश करना। कोई एक व्यक्ति के पास भिखारी यदि आता है तो जेब में से 10 की नोट निकलती है, उसको दिया जाता है। कोई एक व्यक्ति के पास उसके वहां काम करने वाला नौकर यदि आता है तो उसको हर महीने शायद 10,000 रुपए मिल जाते हैं। कोई एक व्यक्ति के पास मांगने के लिए कोई मित्र आता है, अंगत मित्र हो, अजीत मित्र हो, तो शायद वो 1,00,000 रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाता है। संबंध की ताकत समझना, एक भिखारी से संबंध कितना, 10 रुपए से ज्यादा आपको देने का मन नहीं होता। एक नौकर से संबंध कितना, 10,000 से ज्यादा आपको देने का मन नहीं होता। एक मित्र का संबंध कितना, कहीं ना कहीं उसको तकलीफ पड़ जाए, मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम्स में वो फंस जाए, 1,00,000 रुपए देने के लिए आप तैयार हो जाते हो। लेकिन एक बेटा जब बाप से कुछ मांगता है तो बाप पूरी की पूरी चाबी उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। जीवन भर आप कमाते हो, जीवन भर आप भाग दौड़ करते हो, 18 वापस स्थानकों का बंद करते हो, आपको पता है मुझे यहां से कुछ लेकर के नहीं जाना, फिर भी आदमी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल तक मेहनत करते रहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बेटे को कुछ दे करके मैं जाऊं। भिखारी 10 रुपए तक सीमित रह जाता है, नौकर 10,000 तक सीमित रह जाता है, मित्र 1,00,000 तक सीमित रह जाता है। लेकिन जब बेटा कोई बाप से मांगता है तो शायद मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती और पूरी की पूरी तिजोरी की चाबी उसे दे दी जाती है। यह संबंधों की ताकत। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारा परमात्मा के साथ संबंध कैसा। भिखारी बन के परमात्मा के पास जाएंगे तो शायद 10 रुपए जितना ही मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। नौकर बन के परमात्मा के पास जाएंगे तो शायद 10,000 तक मिल जाएगा। मित्र बन के परमात्मा के पास जाएंगे तो शायद 1,00,000 तक मिल जाएगा। लेकिन बेटा बन के परमात्मा के पास गए तो परमात्मा खुद तीर्थंकर पद देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, खुद मुक्ति पद देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, खुद सदगति देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमने संबंध कौन सा बनाया उतना वहां से व्यक्ति तो वही होता है, लेकिन भिखारी के साथ उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, मित्र के साथ चेंज हो जाता है, नौकर के साथ चेंज हो जाता है, बेटे के साथ चेंज हो जाता है। देना चाहे तो वो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन भिखारी के लिए 10 से ज्यादा के नोट निकलते नहीं है, क्योंकि संबंध मायने रखता है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं धर्म और अध्यात्म के साथ आपका संबंध कौन सा संबंध हम डेवलप कर पाए, परमात्मा के साथ के संबंध को हम कितना ऊपर पहुंचा पाए, कहां तक ले पाए। संबंध कच्चे धागे जैसे भी हो सकते हैं और संबंध लोहे के जैसे भी हो सकते हैं। कच्चे धागे जैसे संबंध होते हैं, एक शब्द से टूट जाते हैं, एक बार उसने कुछ कह दिया दिल टूट जाता है।
वो कच्चे धागे जैसे संबंध है, लेकिन लोहे के जैसे संबंध ऐसे है जहां हथौड़ी भी पड़ती रहे फिर भी टूटने की कगार पर नहीं पहुंचता। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि देख लेना, परमात्मा के साथ, धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ हमारा संबंध कौन सा, गुरु के साथ हम कौन सा संबंध डेवलप कर पाए। परिवर्तन का शुभारंभ रिलेशन से होगा। हमारे यहां पर बड़ी गजब की बात लिखी गई, कहा कि तीन तरह के संबंध, धर्म को जब जोड़ने की बात आई, अध्यात्म के साथ संबंध बनाने की बात आई, गुरु के साथ संबंध बनाने की बात आई, तो हमारे यहां पे लिखा गया कि तीन तरह के संबंध होते हैं। पहला संबंध पंखी का जो पेड़ के साथ होता है वो पहला संबंध, पक्षी जो होता है पक्षी का पेड़ के साथ का जो संबंध है वो पहला संबंध। पक्षी पेड़ पर जरूर रहता है, घोंसला जरूर बनाता है, अपने परिवार जनों को वहां जरूर रखता है, लेकिन संबंध कैसा, एक हवा का झोंका आया और पक्षी को लगे कि अब यहां पे मुसीबत है, अब यहां पे तकलीफ है, वो पेड़ को छोड़ने में देरी नहीं करता। पहला संबंध पक्षी और पेड़ का, पक्षी और पेड़ का संबंध कितना, एक हवा का झोंका ना आवे तब तक दोनों का संबंध। पहले तरह का जो संबंध हमारा धर्म और अध्यात्म के साथ है वो कैसा है, पक्षी और पेड़ के जैसा। एक तकलीफ आई नहीं, एक मुसीबत आई नहीं, सब सही था, सब सलामत था, सब व्यवस्थित था, तब तक तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन एक मुसीबत आई नहीं, एक प्रॉब्लम आया नहीं कि हमने दूसरा दरवाजा पकड़ लिया, ये परमात्मा को छोड़ दिए, ये धर्म को छोड़ दिया। कई बार ऐसा जीवन में हमारे साथ घटित हुआ, हम एक बार प्रार्थना करी परमात्मा से, काम ना हुआ, काम ना निपटा, कहीं ना कहीं हमारे कर्म का दोष होगा, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में तकलीफ होगी और इसलिए शायद काम ना निपटा। हमने ये तय कर लिया कि अब दूसरा दरवाजा पकड़ लेंगे, अब दूसरे द्वार पर चले जाएंगे, अब और कहीं जाएंगे, यहां पर नहीं रहना। समझना, पहला संबंध पक्षी और पेड़ का, चेक कर लेना कहीं हमारा संबंध ऐसा तो नहीं, एक हवा का झोंका आया और पक्षी उड़ गया पेड़ पेड़ की जगह पे, पक्षी पक्षी की जगह पे। कहा दूसरा संबंध डाली और पेड़ का, डाली और पेड़ का संबंध भी इतना मजबूत नहीं है, एक बवंडर आया, एक तूफान आया, डाली भी टूट जाती है। एक बवंडर आता है, एक तूफान आता है, डाली भी पेड़ से अलग हो जाती है, शायद हवा का झोंका पक्षी को उड़ा ले जाता है, तो बवंडर बड़ा तूफान आता है वो डाली को उड़ा ले जाता है, वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। एक बार परमात्मा के पास गए रिजल्ट न मिला, दूसरी बार गए रिजल्ट न मिला, तीसरी बार गए रिजल्ट न मिला, आदमी ये सोचेगा कि इतनी बार गुरु के शरण में गया, इतनी बार परमात्मा के पास गया, इतनी बार परमात्मा का शरण स्वीकार किया, लेकिन फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, अब मेरा यहां कुछ नहीं होने वाला है, अब मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसीलिए तो आज संसार में हजारों लोग ऐसे है जो पहले बहुत धर्म की आराधना करते थे, आज जरा भी नहीं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक बवंडर आया, एक तूफान आया अपने कर्मों की वजह से, और शायद उसमें उनको कोई रिजल्ट ना मिल पाया, उन्होंने ये तय कर लिया कि अब धर्म करना नहीं, अब धर्म से हमारा कोई नाता नहीं, अब धर्म से हमारा कोई रिश्ता नहीं, अब धर्म से हमारा कोई लेन देन नहीं, और इसीलिए कहा पहला संबंध पक्षी और पेड़ का, दूसरा संबंध डाली और पेड़ का, डाली और पेड़ का जो संबंध है वो दूसरा, लेकिन कहा कि तीसरा संबंध जड़ और पेड़ का। कहा कि चाहे तूफान आवे, चाहे बवंडर आवे, चाहे कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, लेकिन पेड़ और जड़ कभी अलग नहीं हो सकते, एक मेघ हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, जहां पेड़ है वहां जड़ है, और निकलेगा पेड़ तो भी जड़ के साथ निकलेगा, भीतर से निकलेगा, अंदर से निकलेगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, देख लेना, हमारा संबंध तीर्थंकर परमात्मा के साथ, हमारा संबंध गुरुओं के साथ, हमारा संबंध धर्म के साथ, हमारा संबंध अध्यात्म के साथ कैसा बना करके हम बैठे हैं बार जरूर देखना। पक्षी और पेड़ जैसा है तो समझना रिजल्ट नहीं मिलेगा, पक्षी और पेड़ जैसा यदि आपने संबंध बनाया है तो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट में खामी लगेगी, कहीं ना कहीं रिजल्ट में कमी महसूस होगी, कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि हमने
डाली और पेड़ का संबंध बनाया है तो थोड़ा बहुत रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जड़ और पेड़ का यदि संबंध बनाया है तो हम जो चाहे वो रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, जो चाहे वो हमें प्राप्ति हो सकती है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार संसार के संबंधों को छोड़ करके धर्म और अध्यात्म के साथ हमारा संबंध कैसा, जब मुसीबत आती है तब हम धर्म से दूर हो जाते हैं, धर्म से भाग जाते हैं, दूसरा दरवाजा पकड़ लेते हैं, दूसरे द्वार पर चले जाते हैं, जब तकलीफ आती है तब गुरु के पास जाते हैं या गुरु को छोड़ के और किसी के साथ जाते हैं, जब प्रॉब्लम्स जीवन में खड़े होते हैं तो समता पूर्वक हम धर्म की आराधना करते हैं या असमाधि में हमारा दिन बिगाड़ देते हैं, हमारा दिल बिगाड़ देते हैं, हमारा जीवन बिगाड़ देते हैं, ऐसा कुछ करते तो नहीं ना। एक बार जरूर सोच लेना हमारा संबंध कैसा है, पक्षी पेड़ का, डाली पेड़ का या जड़ और पेड़। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।